गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। बड़हरगंज थाना क्षेत्र में ताश खेलने के विवाद में भाला घोप कर एक व्यक्ति की हुई हत्या। एसपी साउथ ने कहा हत्यारोपित की पत्नी को गिरफ्तार करके शेष अभियुक्तों की हो रही तलाश, जल्द होगी गिरफ्तारी। महान दिग्विजयनाथ एवं महान अवैधनाथ की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति विषय पर रखे अपने अपने विचार। कहा संस्कृत ने ही भारतीय संस्कृति को बनाया है प्रवाहमान। महानगर में 22 स्वास्थ्य केंद्रों पर लगाए गए निःशुल्क कोरोना जांच शिविर का एसडीएम सदर ने किया निरीक्षण। लोगों को जागरूक करते हुए कहा अवश्य कराएं कोरोना की जांच। गीडा थाने की पुलिस ने 190 पेटी अवैध हरियाणा ब्रांड शराब के साथ दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने किया खुलासा। एसडीएम सदर की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोरोना जांच केंद्रों पर ड्यूटी कर रहे लेखपाल और अमीनों की संयुक्त बैठक। कहा लोगों को जागरूक कर अधिक से अधिक कराएं कोरोना की जांच। टॉप 20 अपराधियों में शामिल अभियुक्त को बड़हलगंज की पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरामद हुआ 315 बोर का एक तमंचा और जिंदा कारतूस। थाना प्रभारी ने बताया लूट सहित कई आपराधिक मुकदमों में था वांछित। गोरखपुर में 10,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। बृहस्पतिवार को कोरोना के मिले 285 नए संक्रमित मरीज, 4 की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 10,210। एक्टिव मरीज हुए 2,983। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। पीपीएस अधिकारी रत्नेश सिंह ने संभाला क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ का पदभार। कहा अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाना होगी पहली प्राथमिकता। कोरोना महामारी के कारण लंबे इंतजार के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालय के फाइनल ईयर की बची हुई वार्षिक परीक्षा सोशल डिस्टेंसिंग के बीच हुई शुरू। विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में सैनिटाइजर टनल से होकर विद्यार्थियों को मिला प्रवेश। और ब्रह्मलीन महान दिग्विजयनाथ की 51वीं एवं राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ की 6वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ में कथा व्यास ने कहा रघुनंदन भगवान श्री राम के चरणों में मन लगाने से मिलती है सुख शांति।